अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। पारादीप बंदरगाह में हमारी संस्था की उपलब्धि, विशेष पूजा के साथ नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत, उचित योजना से पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट को प्रस्तुत किए हैं। और अब समाचार विस्तार से। पारादीप बंदरगाह में हमारी संस्था की उपलब्धि। हमारी संस्था किसी भी कठिन परिस्थिति पर काबू पाने एवं अपने द्वारा बनाए किसी भी उपलब्धि को खारिज कर एक नई उपलब्धि बनाने में बेहद सर्वश्रेष्ठ है और इसे एक बार फिर साबित किए हैं। हमारी संस्था उड़ीसा स्टेट के पारादीप बंदरगाह में संचालन एवं रखरखाव के कार्य को साल 2007 से लेकर आज तक तकरीबन 12 सालों से निरंतर रूप से बेहद बेहतरीन तौर से करती आ रही है। इन 12 सालों में हमारी संस्था कई चुनौतीपूर्ण कार्यों को बेहद सफलतापूर्वक सम्पन्न कर कई उपलब्धियों को प्राप्त कर हमारे क्लाइंट का नाम रोशन किए जाने के साथ साथ कई प्रशंसा पत्र को भी हासिल किए हैं। इस निरंतर रूप से की उपलब्धि की सूची में अब एक नई उपलब्धि के प्रकार साल 2018 एवं 2019 की वित्तीय वर्ष में 25.18 मिलियन टन कोल को जहाज में निर्यात कर एक नई उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। इससे पहले साल 2015 एवं 2016 के वित्तीय वर्ष में 23.68 मिलियन टन कोल को निर्यात किए जाना ही पारादीप बंदरगाह की बेहतरीन उपलब्धि थी। और इस कोल हैंडलिंग प्लांट एवं MCHP मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग प्लांट को साल 2001 में किसी दूसरी संस्था द्वारा पुनः तैयार कर साल 2001 से लेकर साल 2007 तक पारादीप बंदरगाह का संचालन किए जाते वक्त भी बेहद कम मात्रा में ही कोल हैंडलिंग किए गए थे, मगर 19 साल पुरानी उद्योग एवं मशीनों के माध्यम से इस बेहतरीन उपलब्धि को हमारे पारादीप के समूह द्वारा किए हैं। इस 25.18 मिलियन टन कोल की लक्ष्य को प्राप्त करना हमारी संस्था की प्रबंधन क्षमता को आश्वस्त करने वाली साबित होगी। सिर्फ यही नहीं, पिछले 11 महीने से सिस्टम अवेलेबिलिटी का बेहतरीन देखरेख से 98% से भी अधिक इसमें सुधार किए हैं। और यहाँ बंदरगाह में कोई जहाज न होने पर उस समय अवधि को सही तौर से प्रयोग कर वहाँ उत्पन्न होने वाली कई प्रकार की दिक्कतों को समय रहते निरीक्षण कर उससे पूरी तौर से निजात पाए जाने के तौर से हमारे इस देखरेख के कार्य को अपनी बेहतरीन योजना द्वारा किए जाने की बदौलत ही इन बेहतरीन उपलब्धि को हम प्राप्त कर सके हैं। और रेल द्वारा कोल को लाए जाने वाले उस जगह पर नए डस्ट सेपरेशन सिस्टम लगाए जाने की वजह से अब कोल अनलोडिंग किए जाने वाले चूट की क्षमता में भी बदलाव किए हैं। सिर्फ वही नहीं, पिछले साल से भी ज्यादा इस साल में 30% से भी ज्यादा कोल और अधिक मात्रा में सीमेंट पत्थर आने लगी थी। इतनी सारी रुकावटें आने पर भी हमारे समूह ने बेहद चतुराई से कार्य कर सिस्टम को सही तौर से संचालित कर कोल एवं लोह आयस्क को रैक से अनलोडिंग कर उसे सफलतापूर्वक जहाजों में निर्यात किए हैं। और ये सभी उपलब्धियाँ हमारी संस्था के आदरणीय अध्यक्ष श्री एस वेंकटेशन जी की आशीष एवं हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक और हमारे आदरणीय निदेशकों द्वारा प्रदान किए बेहतरीन मार्गदर्शन एवं हमारे PPT के समूह द्वारा दिन रात की परवाह न करते हुए उनके द्वारा किए कठिन परिश्रम एवं प्रयासों और संपूर्ण योगदान की बदौलत ही इसे कर दिखाने में हमें सफलता हासिल हुई है। और सभी नेशनल हेड की बेहतरीन सुझाव एवं उनकी बेहतरीन योगदान की बदौलत ही इस उपलब्धि को हम हासिल कर पाए हैं। और इसे रेसिडेंट मैनेजर श्री ए रमेश जी एवं डिप्टी रेसिडेंट मैनेजर श्री HK मंडल जी द्वारा बताए गए हैं। विशेष पूजा के साथ नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। हमारी संस्था 2019 एवं 2020 की वित्तीय वर्ष की शुरुआती पर अप्रैल 1 तारीख को हमारे मुख्य कार्यालय एवं अपने सभी कार्य क्षेत्रों में इसे विशेष पूजा के साथ शुरू किए। और मुख्य कार्यालय में किए गए पूजा के दौरान वहां हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री एस वेंकटेशन जी एवं हमारे आदरणीय निदेशकों श्रीमती वी राधा सिल्वी जी, श्रीमती वी पद्मावती जी एवं श्री वी आर रामू जी इसमें शामिल होकर इस वित्तीय वर्ष में हमारी संस्था कई और क्षेत्रों में अपना चरण स्थापित कर प्रगति हासिल किए जाने के लिए ईश्वर की आशीष प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए।
हैं। उचित योजना से पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट को प्रस्तुत किए हैं। हमारी संस्था की मार्गदर्शन के अनुसार साल 2010 से ही हर साल अप्रैल 1 तारीख को वार्षिक बैलेंस शीट को सबमिशन किया जाता है और हमारे मुख्य कार्यालय में इस साल भी वार्षिक 2018 एवं 2019 की बैलेंस शीट को 9वीं बार 1/4/2019 की शाम अकाउंट्स हेड श्री ये सिंधु कुमरन जी द्वारा हमारे आदरणीय निदेशकों श्रीमती वी पद्मावती जी, श्री वी आर रामू जी एवं अकाउंट्स मैनेजर श्री एस रामकृष्ण जी को सौंप दिए गए हैं और वार्षिक बैलेंस शीट वर्क प्रोसेस के बारे में अकाउंट्स हेड श्री ये सिंधु कुमरन जी द्वारा बताए जाने पर तो इस साल प्रोसेस में हमारा भागीदारी बेहद कम होने और सैप इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद हमारी संस्था बैलेंस शीट को सही समय पर संपन्न किए जाने और सेकंड लेवल के समूह भी अधिक रुचि के साथ दो तरह के कार्य होने के बावजूद साइट टीम एवं साइट मैनेजर सपोर्ट, हेड ऑफिस के टीम और यसमाइक टीम फॉलोअप एवं सभी की कठिन परिश्रम की बदौलत इसमें हमें सफलता हासिल हुई है और उनके द्वारा इसके लिए सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए ये बताए हैं। और हमारे आदरणीय निदेशक श्रीमती वी पद्मावती जी ने हेड ऑफिस के टीम, यसमाइक टीम एवं साइट के ऑल डिपार्टमेंट मेंबर्स को उनके निरंतर योगदान के लिए अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा किए हैं। इसके साथ उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार के बेहतर कार्य किए जाने के लिए उनसे अनुरोध किए हैं। और हमारे आदरणीय निदेशक श्री वी आर रामू जी ने कहा कि साल 2010 और 2011 से निरंतर रूप से इस बैलेंस शीट को सही समय पर प्रस्तुत करते आ रहे हैं और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है और इसके लिए हमारा प्रशासन बेहद संतुष्ट है। वास्तविक समय के अनुसार खुद को और बेहतर बनाने के लिए अब नए सैप से परिचय कराने के लिए हम हमारी संस्था का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें बेहद सहायक पूर्वक रहे आदरणीय निदेशक श्रीमती वी पद्मावती जी को भी इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अकाउंट्स हेड श्री ये सिंधु कुमरन जी द्वारा अपने टीम पर उम्मीद रखकर उन्हें प्रोत्साहित किए जाना ही मैं इस सफलता का मुख्य कारण समझता हूँ और बेहद सहायक रहे हमारे इंटरलेस के समूह एवं साइट के समूह को भी इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार की नई नई तरीकों से परिचय कराकर खुद को एवं अपने कौशल में सुधार किए जाना भी बेहद आवश्यक है और ये सब संभव है यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के उन सही उद्देश्य को समझ लेते हैं और इसे ध्यान में रखकर 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए सभी का सहयोग बेहद आवश्यक है। और ये कहते हुए इसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद और शुभकामनाएं दिए हैं। ஒரு இண்டிவிஜுவலோட குரோத் தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட குரோத். அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் அந்த மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக வரக்கூடிய அந்த 2019-20 பெரிய அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய கோஆபரேஷன் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன். सैप सॉफ्टवेयर चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था शुरुआती दौर से ही खातों के मामलों को बड़ी खातों के रूप में लिखकर फिर उसे कंप्यूटर द्वारा भी अमल किए गए थे। उसके पश्चात टेली सॉफ्टवेयर का भी हम कई वर्षों से पालन किया करते थे और हम ये सभी जानते हैं आज 10,000 से भी अधिक कर्मचारियों वाली हमारी संस्था अकाउंट्स विभाग में और अधिक सुधार किए जाने के लिए अब नए तौर से सैप सॉफ्टवेयर से परिचय कराए गए हैं। हमारी संस्था किसी भी नई प्रयास की पालन किए जाने पर तो हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री एस वेंकटेशन जी की आशीष एवं हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री वी आर सिंधु कुमार जी और हमारे आदरणीय निदेशकों श्रीमती वी राधा सिल्वी जी, श्रीमती वी पद्मावती जी एवं श्री वी आर रामू जी के मार्गदर्शन पर शुरू किया करते हैं। उस प्रकार से साल 2019 के अप्रैल 1 तारीख को हमारे आदरणीय निदेशक श्रीमती वी पद्मावती जी ने इस सैप सॉफ्टवेयर से परिचय कराए हैं। उसके साथ ही हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री एस वेंकटेशन जी ने चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स की ओर से निदेशक श्रीमती वी पद्मावती जी और इसके साथ ही आदरणीय निदेशक श्रीमती वी पद्मावती जी ने सैप सॉफ्टवेयर द्वारा इस साल के पहला इनवॉइस को भी प्रदान किए हैं। और सैप सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हमारी संस्था के मुख्य कार्यालय में पिछले मार्च महीने के 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हमारे अकाउंट्स हेड श्री ये सिंधु कुमरन जी की उपस्थिति में और के स्क्वायर टेक्नोलॉजीज कहे जाने वाली संस्था द्वारा मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित उन विभागों को हमारे सभी साइट से उन्हें आमंत्रित कर ये विशेष सॉफ्टवेयर को अप्रैल 1 तारीख से ही हमारे सभी साइट पर परिचय कराकर इसे लागू किए गए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं तो क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।